नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पुलिसकर्मी 24 घंटे की ड्यूटी कर कहीं न कहीं मानसिक रूप से दबाव का सामना करते रहते हैं। ऐसे में उन्हें दबाव से निकालने का एकमात्र उपाय योगा है, जो आज ही नहीं बल्कि पुरातन काल से लोग इसे कर निरोग रहने का एक सशक्त माध्यम बनाते चले आ रहे हैं। जी हाँ, जनपद गाजीपुर के पुलिस लाइन में इन दिनों 21 जून को मनाए जाने वाला विश्व योगा दिवस के मद्देनज़र पुलिस कर्मियों को योगा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में दो दिन पूर्व योग वेलनेस सेंटर महार द्वारा योग शिविर का आयोजन पुलिस लाइन के ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ ही उनके परिजनों ने भी योग का अभ्यास किया। इस दौरान उन्हें ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन सहित अनेकों तरह के योगासन कराए गए। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, हमने इसका पूर्वाभ्यास अभी दो दिन पूर्व किया। हमारे पास इसमें रिक्रूट आरक्षी हैं, पुलिस लाइन के परिवार हैं और पुलिस कार्यालय और कोतवाली में जो तैनात कर्मी और उनके परिवार हैं उनको भी निमंत्रित किया गया था। एक व्यापक जागरूकता के अभियान के तहत ये कार्यक्रम तीन दिन पहले किया गया। 21 तारीख को व्यवस्थित ढंग से जितने भी रिक्रूट आरक्षी हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा योग का अभ्यास कराया। इसके साथ ही विश्व योगा दिवस को और खास बनाने के लिए अब इस कार्यक्रम में राज्य कर्मचारियों ने भी अपना योगदान देना आरंभ कर दिया है, जिसके लिए अब वे भी योगा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। आज का अभ्यास खत्म हुआ। मैं योग प्रशिक्षक रुद्र प्रकाश तिवारी, योग वेलनेस सेंटर गोसपुर बुजुर्गा, आप योग प्रशिक्षक धीरज राय, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय महार गाजीपुर, योग वेलनेस सेंटर, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा 21 जून को नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 6 बजे से सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम है। आप अपने इष्ट मित्र, जितने परिचित लोगों हैं, सबको साथ लेके आए और अभ्यास का लाभ लें, अपने जीवन में योग को ले आए। लगभग 70% लोग जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, सिर्फ उनकी दिनचर्या खराब होती है। वो सिस्टमेटिक तरीके से ना सोते हैं, ना उठते हैं, ना चलते हैं, ना बैठते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। वो बस लापरवाही में ध्यान ही रखते हैं और कब वो बीमार हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, अपनी जीवन शैली दिनचर्या बदलें, सुबह या शाम अपने जीवन में योग को शामिल करें। आप बदलाव महसूस करेंगे। जो आप डॉक्टर को पैसा देते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में परिवर्तित करके आप सुधार के